पांडाल छोटे पड़ गए। लोगों का उत्साह ऐसा कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश में भगवान भोलेनाथ की नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुंचे हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और उनकी एक झलक पाने को इतनी भीड़ उमड़ रही है जिसकी कल्पना शायद आयोजकों ने भी नहीं की होगी। और यह कोई दावा नहीं है बल्कि आपके सामने की ये तस्वीरें हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज काशी में कथा करने पहुंचे हैं और उनकी कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। लेकिन जब दिव्य दरबार की बात हो तो फिर कहना ही क्या, हर कोई बागेश्वर सरकार के चरणों तक पहुंचने की कोशिश में, उन तक अपनी अर्जी लगाने की कोशिश में, उन तक अपनी समस्या को पहुंचाने की कोशिश में बस चला ही आ रहा था। व्यवस्था हजारों की थी, पहुंचे लाखों लोग, लेकिन जो भी पहुंचा वह शांति से गुरुदेव की बात को सुनने के लिए बैठा। जहाँ देखिए लोग ही लोग, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या जवान, महिलाएं युवतियां, हर कोई बस बागेश्वर धाम सरकार की एक झलक देखने के लिए पहुंचा दिव्य दरबार में। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का लगातार वाचन हो रहा है। इसी बीच आज दिव्य दरबार था जिसके लिए लोग पहुंचे अपनी समस्या लेकर, अपनी अर्जी लगाकर, हर कोई बस एक बार बागेश्वर सरकार की झलक पाने को आतुर है। जिसकी अर्जी लग गई वह तो खुश है ही, जिसकी अर्जी ना भी लगी वह अपने मन में ध्यान कर लेता है बागेश्वर सरकार का, बालाजी सरकार का, और बालाजी सरकार सबकी मुरादों को पूरी करते हैं। और बनारस में बम बम भोले के जयकारे के साथ काशी विश्वनाथ की इस नगरी में बागेश्वर सरकार के जयकारे भी गूंज रहे हैं। और हर तरफ बाबा विश्वनाथ की कृपा से ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है कि जैसे पूरा का पूरा बागेश्वर धाम ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में उतर आया हो।